讲讲。जो सरपंच है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसने बहुत फर्जीवाड़े कर दिए और वो अब 25 तारीख की घटना है जहां उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो दिन के समय बिना नंबर प्लेट की जेसीबी 4-5 ट्रैक्टर उनसे अवैध खनन कर रहा था गोचर भूमि में। वहां पहुंचे तो वहां से भाग गया, ठीक है, और यहां से अवैध खनन करके और रोडों के ऊपर डाल रहा है जो रोड बनाने के लिए, और वहां से पेमेंट नरेगा से ये उठा रहा है कि मैं बालेबाज से 35 किलोमीटर दूर से ये मुर्डा लेके आ रहा हूँ और उसका बजट बना के वो उठा रहा है, लेकिन वो गोचर भूमि में खनन कर रहा है। उसके अलावा उसको मना भी किया तो वो गाली गलौज कर रहा है और अब धमकियाँ दे रहा है कि मैं आपको 353 के केस में अंदर करवा दूंगा या दूसरे केसों में अंदर करवा दूंगा, ऐसे धमकियाँ दे रहा है। जहाँ ये अवैध खनन कर रहा था वहाँ पर स्कूल है, क्योंकि नाडी और गोचर भूमि में इसने अवैध खनन किया, खड्डे बन गए बड़े बड़े, तो वर्षा ऋतु में वहाँ पानी भरने से बच्चे भी मर सकते हैं, उसको मना कर दिया तो अब ये ऐसे करे वो, और उसके साथ भू माफियाओं की साठ गांठ खनन माफियाओं की, और ये मिलकर ये कर रहा है और वहाँ फर्जी मिस्टॉल चला रहा, फर्जीवाड़ा कर रहा। पहले भी ये फर्जी टीसी के मामले में इसका मामला चल रहा है, फर्जी टीसी का, तो इसको ज्ञापन सौंपने आए कि उचित कार्रवाई की जाए। ने मिलना आया था रेडाना सरपंच ने, मिस्टोलों में नाम लिखे नहीं और लिखे और जैसे भी मीना काम कराए और गोतर भूमि ने कुल खोत रहा है, बता भी जाए तो मीना बरसात तो अंदर जाए और मवेशी है वो मैं तराना ली जाए कल खोतरे बिगाड़े सत्यानाश कर दी, मैं वो मवेशी के तरह इतनी ऐसी हालत है। हमने कल कह दिया तो कि आपका अंदर बैठ जाएंगे, हमको धमकी क्या दे रही है ब्रो, आप कौन कर रहे हैं, इसका अधिकार मेरा है, मैं अंदर टेकूंगा, क्या समझ रखा है आपने, ऐसे ऐसे धमकी दी हमको।